स्वागत है। इडर के मानगढ़ गांव के लघुमती समुदाय द्वारा जिला कलेक्टर श्री को दिया गया आवेदन पत्र। इडर के मानगढ़ गांव के लघुमती समुदाय द्वारा तारीख 30 मई के रोज मौन रैली का आयोजन करते हुए रैली को मेहतापुरा से हिम्मतनगर बहुमाली भवन तक ले जाया गया और अपनी परेशानी भरा आवेदन पत्र कलेक्टर श्री को दिया। मानगढ़ गांव के लघुमती समुदाय का कहना है कि उनके गांव के ही महेंद्र भाई वनकर द्वारा समुदाय के प्रतिष्ठित लोगों पर आरोप लगाया जा रहा है, धमकियां दी जा रही है, मानगढ़ महादेवपुरा रोड बनाने के काम में बाधाएं डाली जा रही है और जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। मानगढ़ गांव के महेंद्र भाई वनकर गांव के प्रतिष्ठित लोगों से न जाने किस बात का बदला ले रहे हैं कि उन्होंने एक्रोसिटी धारा भी लगा दी है, जिसके कारण ग्रामजनों को रमजान के पवित्र मास में भूखे प्यासे रहकर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मानगढ़ गांव के लघुमती समुदाय के लोगों का कहना है कि पहले भी कई बार अलग अलग विभागों के सामने इन सभी परेशानियों की प्रस्तुति किए जाने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है और इसीलिए कलेक्टर श्री से अपील करते हुए ग्रामजनों ने बताया कि अब कोई सुनवाई न होने पर ग्रामवासी गांधी जी के मार्ग पर चलते हुए अहिंसा आंदोलन पर उतरेंगे। मानगढ़ गांव के लघुमती समुदाय के लोग फिर एक बार नई उम्मीद के साथ अपनी शिकायतों को लेकर हिम्मतनगर बहुमाली भवन में जाकर कलेक्टर श्री को आवेदन पत्र दिया है। केटीएन न्यूज में आपका स्वागत है। हम अभी हिम्मत नगर की बहुमाली जगह पर हैं, जहां पर इडर के मानगढ़ गांव के कुछ ग्रामवासी अपने गांव के महेंद्र भाई वनकर द्वारा लघुमती समाज को परेशान करना, धमकियां देना, उस आवेदन पत्र को लेकर श्री कलेक्टर साहब के पास आवेदन पत्र अर्ज करने के लिए आए हैं। और चलिए गांववासियों से हम मिलते हैं और पूछते हैं इन्होंने क्या आवेदन पत्र में रजूआत की। मानगढ़ गांव के रहने वाले हैं, जिस गांव का दूसरा नाम है इस्लामपुरा। हम लोग यहां पे आवेदन पत्र देने के लिए आए हैं। हमारे गांव के अंदर 1987 से कलेक्टर यानी तंत्र के तरफ से रोड को संपादन कर दिया गया था। उसके बाद 1992 के अंदर इस रोड के ऊपर मिट्टी काम भी पूरा कर दिया गया। उसके बाद अभी दोनों साइड से यानी कि मेटल काम, डामर काम, वो सब कुछ काम हो चुका है। लेकिन महेंद्र भाई वनकर जो है वो यूँ कह रहे कि ये जो बीच का जो 700 मीटर का जो फासला है वो ज़मीन मेरी है। अगर हम तंत्र से कहते हैं, अगर उस व्यक्ति की वो ज़मीन है तो वो हमें ज़मीन नहीं चाहिए। अब वो हम तंत्र से अपील करते कि वो उसको इंसाफ दे दे और उसकी ज़मीन दे दे, हमें रोड नहीं चाहिए। अगर वो सरकार की ज़मीन है तो हम तंत्र से गुजारिश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि उस जो काम बाकी है उसको जल्द से जल्द उसको पूरा करे। अगर हम ये लोग हमारे ऊपर बार बार एक्रोसिटी के केस करे 1987 से अभी तक उस व्यक्ति ने हमारे लोगों के ऊपर 700 यानी कि 744 लोगों के ऊपर उसने अलग अलग अर्जियों के अंदर उसने एप्लीकेशन की है कि किसी के
कोई अर्जी के अंदर 30 आदमी लिया है, किसी के कोई अर्जी के अंदर यानी कि 35 आदमी, इस तरीके से हमारे लोगों पर बार बार वो एक्रोसिटी का केस लगाता है। फिर वो यानी कि जानने लोग पहले वो एप्लीकेशन देता है, फिर हमारे से समाधान करता है कि भाई मुझे इस केस के अंदर इतना खर्चा हुआ है तो आप मुझे इस तरीके से पैसे दो, तो हमारे साथ यानी कि वो हमारे साथ ब्लैकमेलिंग करता है और हम लोगों से वो पैसे वसूल करता है। और हम लोग ऐसे लोग हैं, हम कारोबार वाले खेती वाले लोग हैं, हमें इस पुलिस केस के झंझट के अंदर नहीं पड़ना है। इसके लिए हम तंत्र से यानी कि गुजारिश करते हैं कि अगर गवर्नमेंट की ये जमीन है, गवर्नमेंट की जमीन है, तो तात्कालिक उसके ऊपर रोड का काम कर दे। अगर गवर्नमेंट को तंत्र को वो काम नहीं करना है, अगर उसकी जमीन है तो उस बंदे को जमीन दे दी जाए। हम यानी तंत्र से सब लोग आके आवेदन पत्र दिया, हम गुजारिश करते। देखिए आपने रामजनों से सुना कि इनका जो शिकायत थी वो क्या है। कैमरामैन माजिद के साथ अकरम कुरैशी, ATN न्यूज़।